Good morning. So today I am going to wear this beautiful dress. Dan ki farmaish aayi hai abhi. Kya farmaish hai aapki? Aaj aap chocolate cake. आज जैन ने चॉकलेट केक खाना. मैं सोच रही थी डोनट्स बना दूं, बट आप कह रहे हैं चॉकलेट केक. नहीं यार, डोनट्स नहीं, चॉकलेट केक. तो मैं अभी चॉकलेट केक बनाऊंगी थोड़ी देर तक, और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं चॉकलेट केक कैसे बनाती हूँ. और आई होप कि हमारा चॉकलेट केक बहुत डिलीशियस बनेगा. मानो, व्हाई आर यू लेइंग ऑन द एज? मामा, so cute. Yes. Mano, you are so cute. You are the cutest Mano. No Mano. So this is my outfit of the day. और आज हम लोगों ने जाना है अपना न्यूक्लिक एसिड टेस्ट कराने के लिए, जो कि हमारी कम्युनिटी में ही हो रहा है. अभी मैं जल्दी से बैठकर स्टडी करती हूँ. So this is my breakfast, 2 dates and then my green tea. और अभी मैं study करती हूँ. Wow, look at this. देखिए, यहाँ पर हमने अपना कराना है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, और उसके बाद हम लोग जाएंगे. ये हमारी कम्युनिटी में ही हो रहा है आज. ओप्स, इतनी लॉन्ग लाइंस है यहाँ पर. तो भाई सो अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं. हम लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली है, और अब यहाँ पर इतनी लॉन्ग लाइंस है जहाँ पर हमें वेट करना है. यहाँ पर सारी की सारी रजिस्ट्रेशन हो गई है, और अभी यहाँ से हमने जो है ना वो टेस्ट कराना है. थैंक गॉड यहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, वरना हमने सुना है कि शायद बीजिंग में लॉकडाउन हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोग लेकर जा रहे हैं. ओप्स, बनानास भी थोड़े से रहते हैं. वैसे कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक जो है ना कम हैं, लेकिन ये कि हमने सोचा हम भी थोड़ा स्टॉक कर लें. वाह यार, हम लोग यहाँ पर आए और एक्चुअली पता चल रहा है कि लोगों ने वाकई स्टॉक कर लिया. यहाँ पर फ्लावर्स थे सारे के सारे, लोगों ने ऑलरेडी चीज़ें ले ली हैं, मिल्क एंड एवरीथिंग. वाओ, हमने भी कुछ कुकीज़ और ऑल पर्पज़ फ्लावर और जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी, और अनियंस वगैरह स्टोर कर लिए. यहाँ पर कुछ नूडल्स भी हमने स्टोर किए हैं. तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो जेन स्टोर कर रहे थे फ्रिज में, और मैंने कुछ किचन में रख दी थी. और ये हमारी मानव भी बैठी है, इसकी फूड भी स्टोर है, इसकी हर चीज़ हमने रखी हुई है, सब कुछ. स्लीपी मानव, तो चेक करें इसको. क्यूट So I am going to make moist chocolate cake and I am going to make chicken kadahi ya phir butter chicken, in dono mein se ek. Eggs bhi jo hai wo fridge se nikal kar bahar rakhne hai taki unka temperature jo hai wo normal ho jaye room temperature par. Uske baad main cake ke liye batter jo hai usko ready karti hu. Sab log so rahe hain hamare ghar mein, bas ek main jaag rahi hu. Hamare babies mano bhi so rahi hain dono. Theek hai aarti. She's awake. She told me कि नहीं, मैं जाग रही हूँ आपकी तरह. और बाकी जैन भी सो रहे हैं, आंटी भी सो रहे हैं. चिकन जो है इसको मैंने अभी निकाला है फ्रीजर से, उसको मैं सॉफ्ट करने लगी हूँ. एग्स भी यहाँ पर रख दिए हैं. मानो, look at your fish. मानो, slow. Look at her eyes. Sleep.
सबसे पहले पैन जो है ना इसको मैंने मेल्टेड बटर से ग्रीस किया और उसके बाद जो है ना इसके ऊपर मैंने जो ऑल पर्पज़ फ्लावर था उसको स्प्रिंकल कर दिया। ठीक है, इसको हम साइड पे रखते हैं और हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको रेडी करते हैं। अभी मैंने नैप लिया है और हमारा बटर जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, नीनू से था जो कि मैंने यूज़ कर लिया है और उसको ग्रीस करने के लिए। और अब मेरे पास टू चॉइसेस है, नंबर वन कि मैं नीचे जाऊँ और जाके बटर लेकर आऊँ, और सेकंड कि मैं कोई सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लूँ। तो मैं यूज़ करने लगी हूँ वेजिटेबल ऑयल, आई थिंक ठीक रहेगा, राइट। आई होप कि इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ तो केक जो है वो अच्छा बनेगा। यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने लिए हैं 3 कप्स, ठीक है, ये वाले कप्स हैं, ठीक है, नहीं बिग वाले नहीं है, ये मैंने लिए हैं 3 कप्स ऑल पर्पज़ फ्लावर के। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप ग्रैनुलेटेड शुगर, शुगर जो है वो मैंने 1/2 कप और ऐड की है। और उसके बाद मैं इसमें ऑलमोस्ट 1/2 कप, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है कोको पाउडर, इसको मैं इसके अंदर जो है वो भी मिक्स करने लगी हूँ, बट हम इसको अच्छे से जो है ना स्ट्रेनर यूज़ कर लेंगे। 1.5 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, 1.5 अ टेबलस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून जो है वो इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इसको अच्छे से जो है ना हम इससे मिक्स कर लेंगे। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अब हम बनाते हैं। वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको क्या चाहिए, 3/4 कप वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1/2 कप जो है वो आपने लेनी है हॉट कॉफ़ी। यहाँ पर मैं ये यूज़ कर रही हूँ द ब्लेंड, ये हो गई हमारी 1/2 कप जो है स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। यू लुक एट दिस। तो इन वेट इंग्रेडिएंट्स में आपने जो है ना ये ऑलमोस्ट 1/2 कप होगा ये योगर्ट का, ये आपने इसमें ऐड कर लेना है। अगर आपके पास योगर्ट नहीं है, वैसे सावर क्रीम इसमें ऐड करनी थी बट वी डोंट हैव सावर क्रीम सो आई एम एडिंग दिस योगर्ट। एग्स जो मैंने फ्रिज से लाकर रखे थे वो देखिए इनका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, अब मैं इसमें ये ऐड करती हूँ। तो इसके अंदर आपने ऐड करना है फाइनली 1 कप ऑफ मिल्क, ठीक है, और ये है क्रीम मिल्क, लाइक फुल फैट क्रीम मिल्क जो होता है, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो वनीला पाउडर का ऐड करने लगी हूँ, ठीक है, इससे बहुत ही मजे का फ्लेवर भी होगा और फ्रेग्रेंस भी। फिर आपने क्या करना है, इसको अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लेना है, इसको विस्क करना है आपने बहुत बहुत अच्छे से। उसके बाद आपने वेट एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको मैं इसके अंदर पोर भी कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स भी कर रही हूँ, आपने एकदम से सारे का सारे को मिक्स नहीं करना। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये थिक नहीं है इस बार, ठीक है, काफ़ी थिन सा है, बट इट्स ओके, इट विल टर्न इनटू अ नाइस केक। अभी मैं इसको जल्दी से जो है वो पोर करती हूँ, बिल्कुल हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी है। तो ये देखिए यहाँ पर इसको जो है ना वो मैं इसके अंदर पोर करने लगी हूँ। अब केक को जो है वो मैंने पूरे 25 मिनट्स के लिए रख दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन में, और अभी हम वेट करते हैं 25 मिनट्स तक। सो देखिए केक जो है बिल्कुल रेडी है, अभी मैं वेट करती हूँ कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए बिकॉज अभी ये बहुत ज़्यादा हॉट है। तो अभी जो इसकी टॉप लेयर है इसको मैं बहुत स्मूथली इसके साथ रिमूव करती हूँ। यहाँ पर मैं चॉकलेट गनाश जो है उसको रेडी कर रही हूँ, और यहाँ पर ये देखिए बस क्रीम है और कोकोआ पाउडर है, और इसके अंदर मैंने कुछ शुगर ऐड किया है क्रीम में, और ये देखिए इतने मज़े से जब ये ब्लेंड हो जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल रेडी करके केक। प्लीज़ डोंट जज मी, ठीक है। बट ये हो गया जी हमारा चॉकलेट केक बिल्कुल रेडी, और इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में, और उसके बाद शाम को जैन इसको टेस्ट करेंगे और रिव्यू बताएंगे कैसा है। तो अभी हम लोग बनाने लगे हैं अफ़गानी चिकन, ठीक है, अफ़गानी चिकन कढ़ाई। उसके लिए मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के टमेटोज जो थे इनको कट किया है, और यहाँ पर जैन जो है मुझे चिकन को कट करके दे रहे हैं। केक की फ्रॉस्टिंग रेडी करते करते मैंने अपनी फिंगर जो है ना इसको हर्ट कर लिया, बट इट्स नॉट दैट सीरियस, इट्स ओके। सबसे पहले मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करके इन टमेटोज को जो है ना वो यहाँ पर बॉईल करती हूँ। तो ये देखिए टमेटोज जो है मैंने इनको पैन में डाल दिया है, और अब मैं वेट कर रही हूँ जब इनका जो पील है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, मैं इनको पील ऑफ कर दूंगी, ठीक है। लुक एट दिस ग्रीन चिली, ये हमारी नाइस से भी भीग गया, लुक एट दिस। अभी जैन जो है वो इसके सीड रिमूव करने लगे हैं, अब तो सारी कटिंग जैन करके देंगे क्योंकि मेरी फिंगर हर्ट है। आपने इसको पील ऑफ कर लेना है, देखिए 3 मिनट्स में ये आपकी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे टमेटोज, और आपने टमेटो पूरी जो है इसको बना लेना है, ठीक है। उप्स ओके, ये देखिए इसको रिमूव कर दिया, इसको जो है मैं जल्दी से थ्रो करती हूँ, जैन ने इसको भी कट कर दिया है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको मैश करती हूँ, और इससे मैं इसको मैश करती हूँ।
ये देखें कितने आराम से जो है ना ये मैश हो रहे हैं। तो ये देखिए टमेटो प्यूरी जो है वो रेडी हो गई हमारी। इसको आपने ऐसे पेस्ट बना लेना, ठीक है, उसको साइड पे रख देना है। आपको पता है कि इतनी इजी रेसिपी है ना कि आप लोग कहेंगे कि वाओ, इसमें जस्ट 3 टाइप्स के जो है वो कॉन्डिमेंट्स यूज होंगे, और इसके अलावा और क्या यूज होगा, जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। सबसे पहले मैं पैन में जो है वो ऑयल को डालने लगी हूँ, और उसके बाद हमने चिकन को जो है वो बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है। जी या के पैन को हुआ क्या है? ये पैन जो है थोड़ा सा एंग्री हो गया है, टमेटोज जो है वो ज्यादा देर तक मैंने इसमें, बट इट्स ओके यार, इट डजंट मैटर। आप चाहें तो पैन जो है उसको वॉश कर सकते हैं, अभी मेरी तो फिंगर का बहाना है। फिंगर का बहाना होकर ये काम सारे मैं कर रहा हूँ यार, मैं कुकिंग कर रही हूँ यार, मैंने केक बेक किया है, मैंने फ्रॉस्टिंग बनाई है, मैंने इतना कुछ किया। ये देखिए इसके बाद आपने क्या करना है, चिकन को सिर्फ 2-3 मिनट्स फ्राई करना है, बल्कि 2 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपने इसके अंदर जो जैन ने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया ना, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। आपको जैन नहीं बना कर देंगे, आपने खुद बनाना है। उसके बाद 3-4 मिनट्स के बाद जब आप देखेंगे चिकन जो है वो वाइट हो गया ना, तो आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर टमेटो पेस्ट जो है इसको ऐड कर देना है, और उसके बाद आपने इसको 2-3 मिनट से अगेन फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो चिलीज़ को ऐड करना है, फिर यहाँ पर आपने कॉन्डिमेंट्स ऐड करने हैं, और इसके अंदर देखिए सॉल्ट है, ठीक है, ब्लैक पेपर है, और ये है गरम मसाला, डेट्स इट। फिर आपने क्या करना है कि आपने योगर्ट लेने हैं 2 टेबलस्पून, और वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं, उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो मैंने इसको दम पर लगा दिया, और अब हम इसको देखेंगे 5-8 मिनट्स के बाद, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। और ये आपने नहीं बनाया है, सारे के सारे इसमें मसाले मैंने डाले, और जैन कहते मैंने बनाया। आप मुझे एक बात बताएं, कोई बंदा बना रहा है, उस यार आपने कटिंग की है बस, और क्या किया यार, सारे मसाले से सालन बन जाता है यार, मसाले मैंने डाले हैं यार उसमें, आपने कटिंग किया, टमेटोज है यार। जो आपकी ऑडियंस है ये इसके अंदर जो है डिसाइड करेंगे यार, अगर सॉल्ट ज्यादा हो जाए, अगर ब्लैक पेपर कम हो, और अगर गरम मसाला जो मैं ज्यादा या कम कर दूं। जैन ने जस्ट टमेटोज कट किए हैं, मुझे वॉश करके दिया, और कह रहे हैं मैंने खाना बनाया। मैं तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा हूँ जिसको नहीं पता कि यार नमक कितने डलते हैं। मैंने सारे स्पून हर चीज जो है ना वो मैंने इक्वल अमाउंट में डाली है ना, मतलब मैंने बनाया खाना, आप लोग बताइएगा आप लोग डिसाइड करें यार। मानो लिली कम हियर माय डॉग शी कैन अंडरस्टैंड उर्दू एंड शी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। सो अभी बहुत सारा टाइम है, और मैं क्या करने लगी हूँ, 4 मिनट्स के बाद बर्नर जो है उसको ऑफ करना है, और अभी मैं कुरान पाक जो है उसको सुनने लगी हूँ। मैं 3 जूस जो है वो पीछे हूँ, सो इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू रिसाइट कुरान, और मैं अभी जो है वो एक जूस जो है वो भी सुन लेती हूँ। डू यू नीड वाटर मानो, व्हाट डू यू नीड? यस सो अल्हम्दुलिल्लाह जूस जो है उसको मैंने सुन लिया है, और बहुत ज़्यादा जो है ना आई कैन फील द पीस इन माई हार्ट। और अब मैं क्या करती हूँ, रोटियाँ बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है ना वो पोर्शंस बना लेती हूँ। मैंने 3 पोर्शंस बनाई हैं, 2 रोटियाँ जैन की और एक मेरी, और यू गाइस कैन सी के फिर उसके बाद मैंने बनाए जी पेड़े। फिर यहाँ पर जो बेलना होता है उससे मैंने इसकी शेप बनाई, और इसके जो कॉर्नर्स थे उनको जो है वो बिल्कुल थिन किया, और यहाँ पर देखिए इतनी मज़े की गोल गोल रोटी बना ली है, और 5 मिनट्स में बन गई थी टोटल। तो देखिए रोटियां जो है बन गई, इसको मैंने रोल कर दिया ताकि जो ये हैं ठंडी नहीं हो जाएं, और ये डेट्स पे रेडी है, मैं जल्दी से इसका टेबल सेट करती हूँ। तो जैन ने अपना फैस्ट जो है उसको ब्रेक कर लिया है, इसलिए यहाँ पर अभी एक डेट है। और ये है जी केक, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, अभी जैन आपको देंगे इसका रिव्यू, और इसका रिव्यू भी आपको जैन देंगे कि मेरे कॉन्डिमेंट्स मसाले कैसे हैं। और मैं आपको बताती हूँ कटिंग तो बहुत अच्छी है, जो चिलीज हैं उनकी कटिंग भी बहुत अच्छी है, कटिंग अच्छी की है आपने। अब जैन बताएंगे मसाले कैसे। सब कुछ छोड़ें, आप केक चेक करें, और ये बहुत ही डिलीशियस है, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसा है। और केक जो है वो भी कट करते हैं, अफगानी चिकन कढ़ाई है, और ये है हमारा केक। तो मैं इसको जो है वो कट करती हूँ,
वाओ, ये देखें अभी जैन बताते हैं कि ये कैसा है। वाओ रियली यार सो गुड डिलीशियस। इसमें जो क्रीम का जो टेस्ट आ रहा है और ये चॉकलेट, कितने देंगे आप पॉइंट्स? सो यम्मी। कितने पॉइंट्स देंगे आप मुझे? 11/10 थैंक यू हनी। मैंने कैसा बनाया ये? यार आपने बहुत अच्छा बनाया ये। रियली? पता, अब मैं बताती हूँ आपने कैसा बनाया। अब आप मेरा रिव्यू लेना, मैं भी टेस्ट करके बताती हूँ आपने कैसा बनाया। अभी मैं बताती हूँ कि जैन ने कैसा बनाया। हम दोनों ने बहुत डिलीशियस बनाया। सो आई डोंट लाइक टू मच चिकन। मैंने तो क्या किया, अपने लिए साग गरम कर लिया। मैं तो खाऊंगी साग, बिकॉज आई एम वेजिटेबल लवर और जैन है चिकन मॉन्स्टर। ये खाएंगे अपना चिकन और मैं खाऊंगी साग। डिलीशियस। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप यू गाइज लाइक। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव। बाय।